हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो अभी मैं किचन की सफाई कर रही हूँ नीता के साथ मिलके। मेरी हेल्पर है जो नीता। और काफ़ी टाइम के बाद मुंबई में बारिश रुकी है, लगभग 1 मंथ के बाद। आप लोग को मालूम है कि मुंबई में जब बारिश होती है तो वो बिल्कुल नहीं रुकती। तो आज बहुत दिनों के बाद धूप निकली थी, तो मैंने जो पेंडिंग थे बारिश की वजह से काम, उन सबको सोचा कि आज निपटा लूँ। तो स्टार्ट कर रही हूँ मैं किचन से, और किचन की लगभग मेरी सारी सफाई हो चुकी थी। और मैं अब जो बर्तन वो धो रही थी, मैं उनको कपड़े से अच्छे से वाइप करके रखूँगी। अब तो ब्लॉक पे रहना और देखना कि आज मेरा दिन कैसा बीता। और यहाँ नीता बिल्कुल सफाई अच्छे से कर रही है, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है ना कि बारिश में हम बहुत सारे चीज़ों को धुल नहीं सकते। तो धूप देख के मेरा मन हुआ कि चलो आज सफाई का काम कंप्लीट कर ही दे। और मैं अब आ गई हूँ, देखो सुबह सुबह रूम की हालत क्या होती है। ये बेड की हालत हो रखी है। अब बच्चे चले जाए, हस्बैंड चले जाए, उसके बाद आपको ये सारे काम करने पड़ते ही हैं। और अभी जस्ट गुन्नू स्कूल से आ गया है, और उसने आते ही पूरा सोफे को भी गंदा कर दिया है यहाँ पे। तो मैं इन सबको झाड़ लूँगी, और आज धूप तो निकली है तो मैं सोफे के कवर को भी धुलने में डाल दूँगी ताकि वो जल्दी से सूख जाए, क्योंकि ऐसे में धूप का फ़ायदा तो हम लेंगे ही। और मुंबई में फिर कब जाने बारिश हो जाए कुछ पता नहीं होता। और बस मैं यहाँ पे सभी पिल्लों को एक एक करके झाड़ के फिर यहाँ पे सभी सोफे के कवर को धोने में डालूंगी। जो कपड़े मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाले हुए थे उन सबको एक तरफ सूख गए हैं, तो उनको पलटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तार जब तक खाली नहीं होंगे मैं और कपड़े कैसे डालूंगी। तो जल्दी जल्दी मुझे कपड़े भी सुखाना था। हालांकि मशीन में स्पिन हो जाते फिर भी एक बार तो पलटना बनता है फ्रेंड्स, ताकि जल्दी से सूख जाए। तो मेरे लगभग काम हो रहे थे, और मैं जा रही हूँ अभी डी मार्ट। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ डी मार्ट पर, मुझे कुछ टॉयज लेने थे।
और यहाँ पे मैं प्राइस के साथ आपको दिखा रही हूँ कि क्या क्या है यहाँ पे। तो जो जिस फ्लोर पे मैं आई थी टॉय सेक्शन के पास ही यहाँ पे मग, क्लिप, क्लॉथ पिन, इन सारी चीज़ों की थी, सोप केस वगैरह, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ये 49 के सोप केस थे और ये 69 के, और ये बाथरूम बोतल जो थे स्प्रे बोतल वो 129 के, और ये सारे खिलौने टॉयज़ वगैरह लगे थे ये 199 से स्टार्ट होके 1000 तक भी थे, इसमें हैंगिंग टॉयज़ भी थे। तो मैंने भी किसी के सजेशन पे मैं यहाँ पे आई थी देखने की कुछ अच्छा दिखे तो मैं भी ले लूँ, तो बस मैं वही देख रही हूँ। और ये सारे टॉयज 499 से स्टार्ट हैं, साथ में ये ट्रॉली वगैरह भी लगी हुई है यहाँ पे, और यहाँ हैंगर्स भी कम प्राइस में अच्छे आए हुए थे, ये 6 का 10 का सेट। तो फ्रेंड्स, मुझे जैसा जितना पता लगा मैंने वो सारे काम आज धूप निकलने में कर लिए है, क्योंकि बारिश की वजह से मन थोड़ा सा होता है कि चलो धूप निकलेगा तो ये काम करेंगे, तो आज मैंने सारे वो काम जो पेंडिंग काम थे वो लगभग निपटा लिए हैं। मुझे जितना लगा वो मैंने आज कर लिया है, चाहे वो किचन से रिलेटेड हो या फिर कपड़े धोने से रिलेटेड हो, तो मैंने सब कुछ पेंडिंग वर्क कर लिया। और घर जब क्लीन हो जाता है तो आपको पता है कि बहुत ही अच्छा लगता है, तो बस यही फील आ रहा है मुझे भी। और अभी मैंने जो क्लिप्स आप लोग से ऐड किया है डीमार्ट से रिलेटेड, तो वो क्लिप्स तो मैंने ऐड किया, बट मैं वहाँ से केवल एक ही टॉयज लेके आई क्योंकि मुझे कुछ खास नहीं लगा वहाँ पे। किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप डीमार्ट से जाके लो, वहाँ काफ़ी रिजनेबल रेट में और काफ़ी अच्छे टॉयज मिल जाते हैं, बट फ्रेंड्स मुझे वहाँ के टॉयज क्वालिटी वाइज या बहुत ज़्यादा रेट में भी फर्क नहीं है, मुझे कुछ खास नहीं लगा और मैंने वहाँ से बस एक लिया। और क्योंकि बहुत सारे टॉयज ऐसे थे ना जो पैकेट में थे, बस हम जब निकाल कर देख रहे थे तो उनमें कुछ ना कुछ खराबी थी, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप डीमार्ट से भले ग्रॉसरी वगैरह ले लो बट टॉयज के लिए मत जाओ। तो मैंने भी वहाँ से कुछ नहीं लिया, तो बस। और मैं ये टॉयज किसके लिए ले रही हूँ ये आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। तो फिर फ्रेंड्स मैं अब आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, आई होप आप लोग मेरे ब्लॉग से रिलेट कर पाए होंगे। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ फ्रेंड्स, चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत छोड़ना।